जय हिंद वंदे मातरम। जैसे कि सबको अवगत है कि आज भर्ती थी हरियाणा की, बड़े महत्वपूर्ण कुछ बिंदु लाया हूँ, अगर डायरी हो तुम्हारी लिख लो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती आज हुई है, मैं नहीं चाहता कि जो परेशानियाँ आज के बंदों को आई हैं वो आपको आएँ। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, खुशखबरियाँ भी हैं। वीडियो के अंत तक सारा मैं कुछ बताने वाला हूँ। बने रहिए। मैं हरिंदर सिंह परमार बुंदेलखंड अकेडमी से आप सभी का शुभचिंतक। हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में, हर एक गंभीर से गंभीर संवेदनशील जो भी जानकारियाँ होती हैं महाराज, हम आपको समय पर अवगत कराते हैं, जिससे आपके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो। लाइफ का सवाल है, थोड़े से चूक जाओगे महाराज, वर्दी खोदोगे। सुबह जैसे ही लड़कों का प्रवेश होना सेंटर के अंदर हुआ, साफ साफ अनाउंस कर दिया, जिसके पास डिप्लोमा है वो एक तरफ हो जाए, जिसके पास डिप्लोमा नहीं है वो एक तरफ हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जिसका MA आचार में अगर कर्मकांड विषय है, वो अंदर आ जाए, वो बाहर ना जाए, क्योंकि उसको हमें लेना है। तो जिसके कर्मकांड विषय है महाराज, कर्मकांड पुरोहितम लिखा है या धर्मशास्त्र से संबंधित, वेद से संबंधित अगर कर्मकांड विषय है और डिप्लोमा नहीं है, तो आप चिंता मत करो, आपको लेंगे। जिसके पास MA आचार है और शास्त्री है, लेकिन अगर उसके कर्मकांड से संबंधित विषय नहीं है महाराज, उसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन बंदा अगर रिक्वेस्ट जाना करता है तो उसको बोल देते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से लिखवा के ले आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम मान कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिखती नहीं है, ये बिल्कुल भी रिक्त नहीं लेती हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बड़ा ही दुर्व्यवहार करती हैं बंदों के साथ में। अरे लिखने में क्या जा रहा है भाई, विषय है तो लिखो ना। वो कब बोल रहा है कि नहीं है तो मत लिखो? वो कब बोल रहा है कि नहीं है तो लिखो? है तभी तो बोल रहा है लिखो। तो ऐसे बंदों के लिए खुशखबरी है जिनके पास शास्त्री है, MA आचार है और कर्मकांड के विषय हैं, अगर डिप्लोमा नहीं है उनका भाग्य खुल सकता है, आज उनको ले रहे हैं। जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, शास्त्री है, नहीं ले रहे हैं, भले ही कर्मकांड का विषय ही क्यों ना हो। आज की बता रहा हूँ महाराज, हर स्टेट की भर्ती अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखना। सभी के रूल थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं, थोड़े थोड़े से। फिर वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहा है, कैसा है, कैसे हृदय का है, कठोर हृदय का है, मुलायम हृदय का है महाराज, उस पर भी आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो बंदों को फुल टाइम दे रहे हैं, जो बंदा 4 राउंड नहीं मार पा रहा है उसी को बाहर कर रहे हैं। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि चार राउंड मार के आ जाओ। जो बंदा 4 राउंड नहीं मार पा रहा है उसको पकड़ के बाहर भगा रहे हैं महाराज। इसके बाद अब जब आप फिजिकल पास कर लेते हो, दौड़ पास कर लेते हो, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उसके पहले आपका हाइट वेट चेस्ट होता है, उसके पहले आपका हाइट और वेट चेक होता है। फिर जिन बंदों का अगर 2-3 किलो वेट भी जाना है, उसको महाराज तुरंत बाहर कर रहे हैं। मान लो आपकी हाइट 168 है और आपका वेट महाराज 69 किलो है, 70 है, बाहर कर रहे हैं। अगर 168 हाइट है तो आपका वेट महाराज 66 तो होना ही होना चाहिए, 65 होना चाहिए, 66 वाले को भी ले रहे हैं, लेकिन 66 ज़्यादा नहीं ले रहे हैं महाराज। ठीक है, तो हाइट वेट का बैलेंस में ला के बंदे बाहर कर रहे हैं। इसलिए अभी आपके पास समय है कि अपना वेट कम कर लो यार। देखो 25 साल के बाद हमारा वेट बढ़ता है महाराज, आपको कम करना ही पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है। इसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको कि जिन बंदों के पास कर्मकांड था, शास्त्री था, उनको लिया है। जिन बंदों के पास MA आचार था, शास्त्री था, लेकिन उनके MA आचार में कर्मकांड का विषय था, उनको लिया है। जिनके पास नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से लिखवा के ले आओ, लेकिन कब बोल रहे हैं? जब आप उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे, जब उनसे आप बोलोगे, जब उनके सामने आप भावुक होंगे, अपनी पीड़ा बताओगे, तो वो आपकी पर महाराज आपसे आपके प्रति थोड़ी सी करुणा कर रहे हैं। उस करुणा के माध्यम से वो आपको एक मौका और दे रहे हैं कि जाओ लिखवा के लिए, लेकिन समस्या यूनिवर्सिटी लिखती नहीं है। इसके बाद महाराज और नई जानकारी इसमें कुछ भी नहीं है, अब सीधा सा हिसाब किताब है। हमें दौड़ अच्छी बनाना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है। खुशखबरी मैंने आपको सुनाई दी है कि जिसके पास डिप्लोमा नहीं लेकर कर्मकांड के विषय हैं, उनको ले रहे हैं। इसके बाद कल उन्होंने बंदों का मेडिकल रखा है। अब कल की जो जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछली भर्ती में जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। लेकिन ध्यान रखना, हर स्टेट में अलग अलग प्रकार से भर्ती होती है। ज़रूरी नहीं है महाराज कि आपको पूरा 8 मिनट दें। 8 मिनट के भरोसे मत बैठना महाराज, नहीं तो खेला हो जाएगा महाराज, परेशान हो जाओगे। 6.5 मिनट की टाइमिंग का टारगेट रखो। जब वहां पर जाओगे तो पूरी ताकत से दौड़ना। जिंदगी में एक ही बार दौड़ना है महाराज, फिर कभी नहीं दौड़ना पड़े, ऐसा दौड़ना महाराज।
दौड़ना ऐसा है कि जिंदगी में कभी दौड़ना ना पड़े, विशेष ध्यान रखना, इसलिए मेहनत पूरी ईमानदारी से करना है, सूझबूझ के साथ, चतुराई के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।